नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 शुरू। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में मंगलवार को झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 की रंगारंग शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की आवाज बुलंद की गयी। 9 और 10 अगस्त को चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य अतिथि और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र से विश्व आदिवासी दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अलग राज्य बनने के बाद भी झारखंड में पिछले 20 बरस से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि आज आदिवासियों की जमीन के साथ साथ राज्य की खनिज संपदा लूटी जा रही है, जिसे समय रहते रोकने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीब आदिवासी परिवारों को शादी और परिवार में किसी की मृत्यु होने के मौके पर 100 किलोग्राम चावल और 10 किलो दाल दिए जाएंगे, ताकि उन्हें सामूहिक भोज देने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। झारखंड में जल्द लागू होगी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस पर 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को उद्घाटन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों को उच्च शिक्षा में परेशानी नहीं होगी। झारखंड में जल्द गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी। इससे छात्रों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। झारखंड जनजातीय महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को कम ब्याज दर पर ऋण सुनिश्चित कराने के लिए जल्द ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जाएगी। इससे शिक्षा की राह आसान होगी, गरीबी उच्च शिक्षा में बाधक नहीं बनेगी। कम ब्याज दर पर ऋण देकर सरकार हायर एजुकेशन में मदद करेगी। आपको बता दें कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से करीब 2 से 3 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। आदिवासी समुदाय ने निकाली शोभा यात्रा, एकजुटता का दिया परिचय। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे इस दौरान ढोल, नगाड़ा और मांदर की थाप पर थिरकते भी दिखे। वहीं आदिवासी समुदाय के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली। केंद्रीय सरना समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा में राजधानी रांची के करम टोली के अलावा नगाड़ा टोली, बोड़याल लेम, नामकुम, कांके, हटिया, उर्वांझी और बरियातू से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शरीक हुए। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में शोभा यात्रा अल्बर्ट एका चौक से मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका तक गई। इस दौरान बापू वाटिका के समक्ष पारंपरिक नृत्य संगीत का कार्यक्रम भी किया गया। बिहार में नीतीश के नए दाव से झारखंड में खास असर नहीं। बिहार में बदले हुए राजनीतिक हालात तथा जदयू के एनडीए से अलग होने का झारखंड में भाजपा पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता यह जदयू को जरूर ऑक्सीजन मिलेगा, इससे कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बढ़ेगा। झारखंड में जदयू की स्थिति यह है कि यह न तो अभी सत्ता पक्ष के साथ है और न ही इसे भाजपा ही कोई प्राथमिकता दे रही थी। भाजपा का भले ही बिहार में जदयू के साथ गठबंधन था, लेकिन झारखंड में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं रहा। हकीकत यह है कि यहां के भाजपा के नेताओं ने जदयू के नेताओं को कभी पूछा ही नहीं। मजबूती में जदयू के नेता भी कहते रहे कि पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन सिर्फ बिहार में है। अब बिहार में जदयू के राजद और कांग्रेस के साथ जुड़ने से झारखंड में भी जदयू को लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और राजद सरकार में हैं। भाजपा मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण से परेशान थे नीतीश, सरयू राय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सरयू राय ने दावा किया है कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए छोड़ने का फैसला अचानक नहीं हुआ है। सरकार में भाजपा के कुछ मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण और कुछ मंत्रियों द्वारा बेंगलुरु में जमीन खरीदने की पुष्ट सूचना से वे आहत और अचंभित थे। आरसीपी प्रकरण और जदयू को तोड़ने की केंद्र की कोशिशों की सूचनाएं ताबूत में आखिरी कील बनी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जदयू के तालमेल को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। 2024 में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नीतीश कुमार विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं।
झारखंड कांग्रेस विधायकों से पाई पाई का हिसाब मांग रही सीआईडी। बंगाल में 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के तीनों विधायकों के खिलाफ अनुसंधान कर रही बंगाल सीआईडी की टीम अब आय से अधिक संपत्ति के एंगल पर भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अनुसंधान कर रही है। बंगाल सीआईडी की टीम फिलहाल रांची में है। सीआईडी की टीम एक दिन पहले ही रांची आ गई थी और झारखंड पुलिस के सहयोग से पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। बंगाल सीआईडी गिरफ्तार विधायकों से सौजन से चल अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी जुटा रही है। टीम यह पता कर रही है कि विधायक बनने के पहले उनकी कितनी संपत्ति थी और विधायक बनने के बाद कितनी संपत्ति बनाई। आईटीआई में दाखिला के लिए बुधवार को मेधा सूची, 12 से काउंसलिंग। झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की मेधा सूची का प्रकाशन बुधवार को होगा। इसके साथ ही नामांकन के लिए काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने 2 राउंड में होने वाली काउंसलिंग के कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग में संस्थान और ट्रेड के विकल्प भरने का काम 12 से 17 अगस्त तक होगा। वहीं 20 से 28 अगस्त तक सीटों का आवंटन होगा तथा सीटों के आवंटन का औपबंधिक पत्र जारी होगा। संबंधित संस्थानों में इसी अवधि में नामांकन भी होगा। साहूकारों का कर्ज नहीं लौटाएंगे आदिवासी, हेमंत सोरेन की घोषणा। झारखंड जनजातीय महोत्सव का मंगलवार को आगाज हो गया है। झारखंड में पहली बार आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने किया। इस मौके पर झारखंड सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासियों को अब महाजनों और साहूकारों से लिया गया कर्ज नहीं लौटाना होगा। राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून बना रही है। राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के परिवारों को शादी और मृत्यु पर सामूहिक भोज के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल मुफ्त देगी। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जनजातीय महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर इसकी विधिवत घोषणा की है। आदिवासी बचेंगे तो जंगल और जानवर बचेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जानवर जंगल बचाने की बात सभी करते हैं, लेकिन आदिवासियों को बचाने की बात कोई नहीं करता। जबकि आदिवासी बचेंगे तो जंगल और जानवर भी बचेंगे। उन्होंने कहा है कि संविधान में जनजातीय समाज को लेकर किए गए प्रावधान सिर्फ चर्चा के विषय हैं। हमारे पास संख्या बल और धन बल भी नहीं है। यदि होता तो हम भी जैन और पारसी की तरह अपनी पहचान को बचा पाते। कॉलेज शिक्षक नियुक्ति में नैक ग्रेडिंग के आधार पर पीएचडी के अंक पर कैबिनेट सहमत नहीं। राज्य के कॉलेजों में होने वाली सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की नैक ग्रेडिंग के आधार पर पीएचडी के अंक दिए जाने पर राज्य मंत्रिपरिषद सहमत नहीं है। हाल ही में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने सहमति व्यक्त नहीं की। अब राज्य सरकार इस पर नए सिरे से विचार कर रही है। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर होने वाले साक्षात्कार में एकेडमी अंकों के वेटेज के निर्धारण में पीएचडी के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के नैक ग्रेडिंग के आधार पर अंक दिए जाने का व्यापक विरोध भी हो रहा है। रांची में ट्रक ने स्कूल वैन को रौंदा, 3 बच्चों की मौत। रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर सूर्य मंदिर के समीप एक बड़ा हादसा हुआ है। झमाझम बारिश के बीच तेज रफ्तार एक मालवाहक ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी को रौंद दिया है। इस गाड़ी में कई बच्चे सवार थे, इसमें से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई बच्चे इस हादसे में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे बेहतर उपचार के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। इस हादसे के बाद तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे पलट गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजयुमो ने निकाला तिरंगा बाइक रैली। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भाजयुमो ने बाइक से तिरंगा रैली निकाली। रैली स्थानीय वीर कुंवर सिंह चौक से शुरू होकर नगर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए तिवारी चौक तक पहुँची। सैकड़ों उत्साहित कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर सेनानी अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जैसे नारे लगाते रहे। बता दें, बाइक रैली भाजयुमो जिला अध्यक्ष अतुल सिंह के नेतृत्व में निकाली गई। रैली के समापन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अतुल सिंह ने कहा कि 13 से 15 अगस्त के बीच देश के सभी सम्मानित देशभक्त नागरिक अपने अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे और आज़ादी के अमृत उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाएंगे।
झारखंड छात्र परिषद तिरंगा यात्रा की तैयारी में जुटी। झारखंड छात्र परिषद की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड छात्र परिषद के संस्थापक राजीव रंजन मिश्रा उपस्थित थे। बैठक का संचालन पीयूष आनंद ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन राकेश सिंह ने किया। झारखंड छात्र परिषद के संस्थापक के द्वारा तिरंगा का वितरण किया गया एवं हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया गया। परिषद के द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी 13 अगस्त को झारखंड छात्र परिषद के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो राजधानी के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्वामी विवेकानंद सरोवर में संपन्न होगी। आदिवासी दिवस की ममता बनर्जी ने सीएम को दी शुभकामनाएं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण झारखंड जनजातीय महोत्सव में भाग नहीं ले पाए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्र भेजकर इस समारोह के आयोजन पर शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि अगले साल समारोह में वह जरूर शामिल होगी। उन्होंने समारोह में आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। ममता बनर्जी के पत्र को कल्याण सचिव के सोन ने मंच से पढ़कर सुनाया। मुख्यमंत्री ममता ने जनजातीय समुदाय की विरासत, परंपरा और शानदार इतिहास की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान है। उन्होंने जानकारी दी कि बंगाल के हरेक जिले में जनजातीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड की जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रपति को भेजा पत्र। विश्व आदिवासी दिवस पर आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र ने राज्य के जनजातीय समुदाय के चौमुखी विकास के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई है। केंद्र के अध्यक्ष ओपी लाल, सचिव अयोध्यानंद मिश्रा व संयोजक डॉक्टर एसके किड्डो के हस्ताक्षर से राष्ट्रपति भवन को भेजे गए सुझाव पत्र में कहा गया है कि आज़ादी के बाद राज्य के आदिवासियों के विकास की कोशिशें की गई, लेकिन लाभान्वित कुछ ही परिवार हुए। जनजातीय समाज शिक्षा से बहुत हद तक वंचित है। पत्र में कहा गया है कि समाज को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को ट्राइबल स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाए। सरकारी विभागों ने नहीं दिया 34,000 करोड़ का हिसाब। झारखंड के सरकारी विभागों ने खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। राज्य में 31 मार्च 2021 तक 88,047 करोड़ राशि में से सभी राशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभिन्न विभागों के पास 2020-21 तक बकाया था। महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। प्रधान महालेखाकार अनूप फ्रांसिस डुगडुग ने सोमवार को महालेखाकार कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 88,047 करोड़ में से 34,017 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो सका था। इसी अवधि तक निकाले गए एसी बिल के विरुद्ध भारी मात्रा में 6,018 करोड़ के डीसी बिल जमा नहीं किए गए। 19,000 होमगार्ड जल्द बनाए जाएंगे राज्यकर्मी। झारखंड के 19,000 होमगार्ड जवान जल्द ही वॉलेंटियर से राज्यकर्मी बनाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इसकी पहल की है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों से पत्राचार कर रिपोर्ट और सुझाव मांगा गया है। पत्र में इस बात को इंगित किया गया है कि होमगार्ड के वर्तमान मॉडल को अपडेट करने के लिए 1965 और 1969 बिल में संशोधन की जरूरत है। यह दोनों बिल गृह रक्षकों को स्वयं सेवी का दर्जा देती है। मंत्रालय ने सभी होमगार्ड कमांडेंट से दोनों ही बिल की समीक्षा के लिए सुझाव मांगे हैं। सुझाव के साथ साथ 20 अगस्त तक गृह रक्षकों को उनके राज्यों में क्या सुविधाएं मिल रही है इसे भी रिपोर्ट बनाकर सौंपने को कहा गया है। बता दें, झारखंड में 4,000 महिला और 15,000 पुरुष होमगार्ड जवान हैं। शिबू सोरेन पर लोकपाल में 25 अगस्त को सुनवाई। झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा भारत के लोकपाल को की गई शिकायत के मद्देनजर पूर्व कोयला मंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के खिलाफ 25 अगस्त को सुनवाई होगी। सांसद ने 5 अगस्त 2020 को भारत के लोकपाल को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि कोयला मंत्री के पद पर रहते हुए शिबू सोरेन और उनके परिवार के लोगों ने अकूत संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में है। लगभग 3 दर्जन अचल संपत्ति की सूची लोकपाल को सौंपी भी गई थी।
बिहार के बाद महाराष्ट्र कर्नाटक में भी बदलेगी सरकार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और पार्टी के केंद्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने मंगलवार को एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन एक नई शुरुआत है। पूरे देश की राजनीतिक चेतना में बदलाव आ रहा है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी सरकारें बदलेंगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले दल एक मंच पर आ रहे हैं और जो देश में आपातकालीन स्थिति बनी हुई है उसका जवाब देंगे। कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जनहित याचिका। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कोर्ट फीस एक्ट को हटाने की गुहार लगाई गई है। याचिका में काउंसिल की ओर से कहा गया है कि कोर्ट फीस में बेतहाशा वृद्धि की गई है। इससे समाज के गरीब तबके के लोग कोर्ट नहीं आ पाएंगे और वकीलों को भी अतिरिक्त पैसा देना होगा। कोर्ट फीस की वृद्धि की वजह से आम लोगों को सहज व सुलभ न्याय दिलाना संभव नहीं है। काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने बताया है कि राज्य सरकार का कोर्ट फीस एक्ट गलत है। यह संविधान और सेंट्रल कोर्ट फीस एक्ट के खिलाफ है। झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों का फैसला 10 अगस्त को। बीते दिनों गाड़ी से 49 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों को कोलकाता हाईकोर्ट से बेल मिलेगी या उन्हें जेल में ही रहना होगा, इसका फैसला बुधवार को होगा। बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट में न्यायाधीश तीर्थकर घोष की एकल पीठ में कांग्रेसी विधायकों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने सोमवार को न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष की अदालत में जमानत याचिका पेश की थी। उस समय न्यायाधीश ने कहा था कि वह बुधवार को इस पर सुनवाई करेंगे। धन्यवाद।